मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। जिस नेता के साथ आप लोगों ने युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के मंडल के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश की टीम तक काम किया, वो भावना बहुत अलग है। वो एक परिवार की भावना है और ये शायद बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलेगा। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे जिले में हमारा जन्म भी हुआ, ऐसी लोकसभा की सीट से लड़ने का अवसर भी मिला जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता हैं। एक बार नहीं चार बार आपने मुझे सांसद बनाया। दुंगा जी को मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया। मेरे में नहीं हिम्मत यहां सबसे बात करने के बाद यहां होगी। लेकिन मित्रों 2017 के बाद जब रिजल्ट भी आया है तो क्या धूमल जी उठ के अपने घर बैठे थे? नहीं बैठे। पूरे प्रदेश भर में कोई नेता ऐसा था जो अपना घर छोड़ के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बावजूद एक आम कार्यकर्ता के रूप में हर पोलिंग